मॉड्यूल 57 सेवन क्लासीफिकेशन ऑफ इनपुट्स। टू प्रोड्यूस आउटपुट फर्म को कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं और ये जो भी इनपुट्स हैं हम इन सबको क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर डिफरेंट सब हेडिंग्स अगर हम इनको ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो सब हेडिंग्स अंडर विच वी कैन क्लासीफाई द इनपुट्स वो होंगे लैंड लेबर कैपिटल एंड मैनेजमेंट जब आप लैंड की बात करते हो तो लैंड बेसिकली रिप्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेस सिर्फ आपकी लैंड को कवर नहीं करेगा इट आल्सो इंक्लूड्स मिनरल्स फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर एंड ऑल अदर दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम नेचर और हम इन रिसोर्सेज को यूजली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं वी क्लासीफाई दीज रिसोर्स अंडर सब हेडिंग ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट लैंड इज अ की फैक्टर क्या इनफैक्ट विदाउट लैंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस

लेबर लेकिन यहां पे हम जो मैनेजीरियल एक्टिविटीज से रिलेटेड लेबर होगी वो यहां पे हम उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे जब आप फार्मिंग आउटपुट की बात करोगे टू प्रोड्यूस फार्मिंग आउटपुट इट आल्सो रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ लेबर हाँ जी किस फॉर्म में होगी जी यू हैव टू प्लो योर लैंड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चरल आउटपुट और जो भी लेबर यहाँ पे इन्वॉल्व होगी टू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीड बेल्ट तो उसको हम क्या कहेंगे दैट इज लेबर हाँ जी अपनी फसलों को इरीगेट करने के लिए भी अगेन क्या चाहिए यू नीड सर्टन लेबर हाँ जी वो भी कहाँ पे आएगी अंडर दी लेबर टू दी फर्टिलाइजेशन के जी जो भी आपने फसल बोई है उसको फर्टिलाइजर डालनी है फिर इसी पैटर्न पे इंसेक्ट्स को इलिमिनेट करने के लिए अगेन यू नीड इंसेक्टिसाइड्स पेस्ट को इलिमिनेट करने के लिए आपको क्या चाहिए यू नीड पेस्टिसाइड लेकिन इसकी एप्लीकेशन के लिए आपको कौन रिक्वायर होगा अगेन सम लेबरर जी हार्वेस्टिंग टाइम पे भी यू नीड सर्टन लेबर टू हार्वेस्ट दी क्रॉप ये सब कहां पे आएगा दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट अंडर दब हेडिंग ऑफ लेबर इसी पैटर्न पे टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर आउटपुट इट आल्सो रिक्वायर्स सर्टन अमाउंट ऑफ कैपिटल गुड्स जब आप कैपिटल गुड्स की बात करोगे तो बेसिकली दीज आर द गुड्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज एग्रीकल्चरल के केस में आपके पास कैपिटल गुड्स क्या होंगी

इसी तरह जब आप नॉन ड्यूरेबल कैपिटल इनपुट्स की बात करोगे तो ये क्या होंगे जी जी कौन से होंगे? फर्ट्राइजर? क्या है? जी, capital good है लेकिन वो फर्टिलाइजर क्या होगा दैट फर्टिलाइजर इज एंटायरली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप इन द प्रोडक्शन ऑफ करंट प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप जब आप मैनेजमेंट की बात करोगे तो यहां पे भी क्या होगा मैनेजमेंट इनवॉल्व डिसीजन मेकिंग कौन सी डिसीजन मेकिंग होगी प्रोड्यूस? फार्मर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द्रॉप हाँ जो उनमें से कौन सी प्रोड्यूस करे वीट प्रोड्यूस करे राइस प्रोड्यूस करे कॉटन प्रोड्यूस करे ये सब किस कैसे वो डिसाइड करेगा ही

Can be categorized under the subheading of land, labor, capital, and management.